हेलो आवाज आ रही है थोड़ा तेज करें। हेलो 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 संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र अर्हम् इति अक्षरम् ब्रह्मवाचकम् परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् प्रणमाम्यहम् कर्माष्टक विनिर्मुक्तम् मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् सम्यक्त्वादिगुणोपेतम् सिद्धचक्रम् नमाम्यहम् नमाम्यहम्। आज मार्दव धर्म पर, आज दूसरा दिन है और मार्दव धर्म पर हम विचार करेंगे। आदरणीय नरेंद्र जी साहब एवं समुपस्थित सभी धार्मिक बंधुओं और मानवा, आज दूसरा दिन हमारा दस लक्षण का और मृदुता पर, मार्दव धर्म पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे जैसे आज मालूम पड़ा कि कुछ लोग हिंदी को उतना अच्छी तरह नहीं समझ पाते, तो मेरे पास गुजराती भाषा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा अंग्रेजी में समझाने का प्रयत्न करूँगा, इससे थोड़ी बात समझ पाए। मार्दव धर्म को यहाँ तक सभी हिंदी अंकल, अच्छा, मार्दव को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडेस्टी, मॉडेस्टी सॉफ्टनेस काइंडनेस जेंटलनेस लीनियंसी ह्यूमिलिटी या विनम्रता पोलाइटनेस कर्टसी, इन शब्दों के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि ये हम मार्दव धर्म पर विचार करते हैं। मृदुर भाव मार्दव अर्थात मृदुता कोमलता सहजता का नाम मार्दव है। मान कसाय के कारण आत्मस्वरूप में विद्यमान कोमलता का जो अभाव हो जाता है वो मार्दव मृदुता के लचीलापन जो नमी और कमी कृपा कोमलता उदारता होती है वो छोड़ देना होता है, उसको हम मार्दव धर्म कहते हैं। मार्दवता का जो मीनिंग है हिंदी में वो इस तरीके से किया जा सकता है कि व्यक्ति में सहजता हो, सरलता हो, अदम्भपना हो, अभिमानहीनता हो, तो मार्दव धर्म है। बगैरती हो, दर्पहीनता हो, अमानी हो, गर्वहीन हो, निराभिमान हो, त्याग हो, गर्वहीन हो, अदर्पी हो, अनअहंकारी हो, कातरता हो, मधुरता हो, सज्जनता हो, सद्भाव हो, सहानुभूति हो,
सहृदयता हो, साधु भाव अगर उसमें होता है तो वो मार्दवता है, सौम्यता है, सौम्यता है, सुजनता है, साधु भाव है, सौहार्दता है, स्नेह है, तो वो मार्दवता है। पर दुख द्रवण ये भी मार्दवता है। उपकार, प्रेम, मेहरबानी, रहम, स्निग्धता, मुलामियत, लोचता, सुकुमारता, ये आदि शब्द हमको जैन आगम में मार्दव धर्म के लिए प्रयोग में देखे जाते हैं। मार्दव धर्म का अगर कोई नुकसान करता है तो वो मान करता है, मान मार्दव धर्म का नुकसान करता है, तो हमको मार्दव धर्म समझने के लिए मान को भी समझना पड़ेगा। मान को आपा बोलते हैं, गरिमा कहते हैं, गर्व कहते हैं, गुमान, गुरूर, आडंबर, दिखावा, नाज, मान, गैरत, अहंकार, आत्मविश्वास, स्वाभिमानता, दर्प, अनम्रता, अभिनय, अहम इति, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा। अगर कोई ऐठ रखता है, खुदनुमाई रखता है, तो ये उसका अहम है, ये उसका मान है। खुदनुमाई, गर्मी, गर्व, घमंड, दम्भ, दाप, नशा, मिजाज, स्वश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना, दिमाग दिखाना, उत्कर्षता, साहबगीर दिखाना, झाड़ना, डींग मारना, ये सब अहम में आएंगे। गर्वित होना, फूल के कुप्पा होना, झाड़ना, डींग मारना, सेकी बगाड़ना, रोब झाड़ना, शान दिखाना, ये सारी हमारी मार्दवता को खत्म कर देते हैं। मदमत होना, मदांध होना, मदोन्मत्त, मिजाजी होना, शांतशील होना, सगर्वी होना, मगरूर होना, गर्वोन्मत्त होना, प्रमद होना, बद दिमाग होना, बद मिजाज होना, करिश्मा, अदा, चटक मटक, चाव चोचला, झमाका, खसका, खस्सा, नखरा, नाज, अंगिमा, अकड़ तकड़, इतलाहट, ये अगर वो दैनिक जीवन में अगर करता है तो वो निश्चित रूप से मान का मान आरोपित करता है, और मान आरोपित करता है तो हमारा मार्दव धर्म खत्म होता है। मार्दव धर्म के मार्दव धर्म का मूल है, मार्दव धर्म का मूल है, और मान मूल पाप का, मान जो है वो पाप का मूल है और मार्दव धर्म का मूल है। साधक को जिसके बिना मिले न अनुकूल, वो निश्चित रूप से मार्दव धर्म को नष्ट करता है। सफल सभी सुविनीत के ज्ञान ध्यान व्याख्यान, बिना मार्दव अभिनीत के ऊपर वृष्टि समान। सुविनीत व्यक्ति के ज्ञान ध्यान और व्याख्यान बिना मार्दव के बेकार है, क्योंकि वो अहम के दूतक है, अहम को लेकर के करीब है। नमकार लेना सहज है, गुरु से विद्या दान। आप गुरु से भी अगर विद्या दान लेते हैं तो नमकार करके उनसे उनका नमन करके उनसे नीचे के रूप बैठ करके उनकी उनकी इज्जत करके आप ले सकते हैं। बिना झुके क्या ले सके सर ले जल अलमना। होता है मार्दवी के सम्यक परिणत ज्ञान। सम्यक परिणत ज्ञान मार्दवी जो व्यक्ति होता है उसके सम्यक परिणत ज्ञान होता है। कर पाता है अतः वह आत्मा का उत्थान। अगर वो मार्दवी है, मार्दव धर्म का सरल है, सहज है, सहज स्वभावी है, तो वो अपना उत्थान, आत्मा का उत्थान कर पाता है। उत्तम भाजन ज्ञान का विनयवान मतिमान। वो विनयवान जो व्यक्ति है, मतिमान जो व्यक्ति है, वो उत्तम पात्र होता है ज्ञान का। वो ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त कर सकता है अगर उसमें मार्दवता है।
देना ज्ञान अपात्र को है भुजंग पैपान। जैसे सांप को हम दूध पिलाते हैं, ऐसे अगर कोई व्यक्ति अमार्दवी होता है, मानी होता है, उसको अगर हम कोई हमारी विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसान। एक सांप को दूध पिलाना है। पाता है सुविनीत नित करते सब सत्कार, प्रमुदित हो जाते सभी देख नम्र व्यवहार। माधवी व्यक्ति का जो व्यवहार, नम्र व्यवहार देख करके सब लोग विनीत हो जाते हैं, और वो विनीतता की वजह से वो सारे सत्कार को प्राप्त करता है। सद्गुण आते हैं स्वतः विनयवान के पास, और विनयवान जो होता है, जो माधवी होता है, उसके पास सारे सद्गुण आते हैं। सलिल जलाशय में स्वयं आता बिना प्रयास, जिस प्रकार पानी ढलान की तरफ स्वतः अपने आप आता है, उसमें किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही माधव गुरु के माध्यम से उसके पास सारे ज्ञान, उसके आत्मा के जो गुण हैं, वो सारे के सारे उसको प्राप्त होते हैं। ग्रहण किया जो विनय से ज्ञान वही फलवान, जो विनय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, विनय के माध्यम से जो जिसके पास माधवता है, विनय है, वो उसको उसका ज्ञान फलवान होता है। एकलव्य विकला सब जगह शिष्य विनीत महान। एकलव्य का उदाहरण देख करके बताते हैं कि एकलव्य जो क्योंकि विनीत था, तो उसने सारे गुण गुरु के से प्राप्त किए। विनयवान के सकल जग जग विनयवान के सकल जग हो जाता है स्वी, कहे प्रेम अविनीत के स्वी बने पर। ये एक आय के विनय सारा संसार सब उससे उसका हो जाता है जो विनयवान होता है और जो मार्द गुणों को रखता है। विभिन्न धर्मों में और विभिन्न विभिन्न विद्वानों की निगाह में माधव का क्या है। अमी पियावत मान बिन रहिमन मोहिन स्वाय, प्रेम सहित मरबो भलो जो विष देह बुलाए। एक ये रहीम जी कह रहे हैं कि हम अगर प्रेम रखते हैं, अगर हम मुलामियत रखते हैं, अगर हम मार्दवता रखते हैं, तो हमको अम्मी पियावत, तो हमको अमृत पिलाया जाता है, अमृत हम पी रहे हैं। और प्रेम सहित मरबो भलो, और ये मान्यता है कि प्रेम सहित मरना भी अच्छा है, हेलो विष दे अगर कोई बुलाता है तो वह कोई व्यक्ति नहीं जाता है। महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि जिस आदमी का मान उसके अपने ख्याल से, जिस आदमी का मान उसके अपने ख्याल से मर चुका है, वह जितनी हानि अपने को पहुंचा सकता है उतनी दूसरों को नहीं पहुंचा सकता। जो व्यक्ति मानी है वो व्यक्ति जितना अपना नुकसान करता है, वो सामने वाले का नुकसान उत्पन्न करता है। ये गांधी जी के विचार में उन्होंने मान के बारे में कहा। निम्न श्रेणी के मनुष्य केवल धन की कामना करते हैं, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति धन और मान दोनों की कामना करते हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष केवल मान की कामना करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि मान ही श्रेष्ठ है। ये चाणक्य ने अपनी नीति में कहा। तुच्छ मनुष्यों को जीविका की हानि का, मध्यम श्रेणी के लोगों को जीवन की हानि का, और उत्तम पुरुषों को मान हानि का बड़ा भय रहता है। माधव धर्म क्या है कि मानी मनुज ओछा बन निज को बड़ा मानकर चलता। मानी मनुष्य ओछा बन निज को बड़ा मानकर चलता, तिरस्कार अन्यों का करता उन पर झूठा एम जमाता। ये माधव की बात कि मानी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को छोटा मन करके और अपने आप को निज को बड़ा, सबको छोटा मानता है और अपने आप को निज, अपने आप को बड़ा मानकर चलता है, और तिरस्कार अन्यों का करता और झूठा अहम जमाता है। ये माधव माधव व्यक्ति की माधवता के खिलाफ में है। दोष बहुत करता वह प्राणी, निर्लज्ज बना वह उन्हें छिपाता, पतनोन्मुख प्रतीक्षण वन कर वह निश्चित अपना पुण्य गवाता। मार्दव धनोन्मुख जो बनता, सभी गुणों का संचन करता, जग में सबका प्रिय बनकर वह निज जीवन को सुखमय करता।
ज्ञानाभ्यास करे वह प्रतिदिन आत्म ज्ञानी वह बन जाता जो व्यक्ति मार्दव वाला है, मृदुता है, सहजता है, सरलता है। ये सहजता सरलता एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से मिट्टी बिल्कुल सरल है, सहज है और मुलायम है, तो वो मुलायम लोगों के चलने से वो आपके सर पे जाके बैठ जाती है। लेकिन जो अहम रखता है, मान रखता है, कंकर, वो ठोकर खा करके बहुत दूर तक जाके देता है। ये एक एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे समझा जा सकता है कि मार्दवता कितनी महत्वपूर्ण है और जो मान है वो कितना निम्न श्रेणी का है। भारत अनुवेक्षा में जो श्रमण कुल रूप जाति बुद्धि तप शास्त्र ज्ञान शील आदि का किंचित भी मद मान नहीं करता है उसके मार्दव धर्म होता है। कहा है कि मार्दव धर्म किसके होता है? मार्दव धर्म जो व्यक्ति गुणवान हो, कुल वाला हो, रूपवान हो, जातिवान हो, उच्च जाति में हो, उच्च बुद्धि वाला हो, तपी हो, शास्त्रज्ञ हो, ज्ञान वाला हो, शील वाला हो और उसके अभिमान नहीं हो, उसके उसमें सरलता हो, सहज उसके मार्दव गुण होता है, तो उसके होता है मार्दव धर्म। ये कहा है उत्तम मार्दव धर्म आत्मा का कोमलतम विनय भाव है। आत्मा में जो कोमलतम और जो सहज सरल सहज जो भाव है वो मार्दव धर्म है। अंतस्थ चेतना का रूपांतरण है मार्दव धर्म। स्वयं का साक्षात्कार है, अपने आप से साक्षात कर लेना, अपने आप से साक्षात्कार के वो ही कर सकता जिसमें मार्दव धर्म। इसमें मद मत्सर नहीं रह जाता है, जिसके पास मद और मत्सर घमंड नहीं रह जाता है, मद नहीं रह जाता है, मान अपमान अभिमान उसका गल जाता है वो और विनय निखर जाता है, वो व्यक्ति होता है मार्दवी। इसमें चित्त निरामय होकर के शुद्ध विशुद्ध हो जाता है। जिस व्यक्ति के मार्दवता है, अहम नहीं है, वो उस व्यक्ति का जो चित्त है वो निरामय होकर के शुद्ध विशुद्ध हो जाता है। इसमें कोई दास नहीं रहता, कोई मालिक नहीं रहता, कोई स्वामी नहीं होता और ये दोनों ही दासत्व और स्वामित्व ये दोनों ही बंधनकारी हैं और ये दोनों ही मान के उससे ये मार्दव धर्म को खो देते हैं। मार्दव धर्म सतत चेतन है और स्व संवेदन है, आत्मधर्म आत्मा का धर्म है मार्दव। तो जिसके पास मार्दव धर्म है वो सतत है, चेतन है और वो सतत आत्मजयी है। मिथ्या व दुराभिमान की वर्जना हुई रहती है इसमें, इसमें मिथ्या ज्ञान और दुर्भिमान की वर्जना होती है। स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है, स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है मार्दव धर्म। ममता और समता इतनी व्यापक हो जाती है कि आत्मा के कोमल भाव वात्सल्यमय होकर के आशीष हो जाते हैं। चेतना के स्तर पर शिशु की तरह निश्चल व सहजभावी हो जाते हैं। जो व्यक्ति मार्दव भावी होता है वो एक बच्चे की तरह सहज सरल, जिसके अंदर किसी तरह के का कोई मैल नहीं है, ऐसा हो जाता है मार्दवी भाव। विशिष्टता की समस्त रेखाएं और उनके उभार मिल जाते हैं इसमें मार्दवता में। इसमें लोक की सभी प्रकार की एषणाओं का और ग्रंथि भेद हो जाता है, जितनी भी गांठें हैं वो सब खत्म हो जाती है मार्दवता धर्म। मार्दवी उसमें चक्रवर्ती का उदाहरण देके बताते हैं कि चक्रवर्ती होकर जब वो देखता है कि मेरे से पूर्व भी असंख्य चक्रवर्ती हो गए, तो उसके वो भाव जो अहम के भाव होते हैं कि मैं चक्रवर्ती, वो सब खत्म हो जाते हैं। मार्दवता एक सरलता सहजता आती है और ये चक्रवर्ती भी जब देखता है कि मेरे से पूर्व अनेक ऐसे हुए हैं तो उसका मार्दव उसमें सरलता सहजता आ जाती है और सारा मद उसका खंडित हो जाता है।
मानव धर्म आत्मा का साक्षात्कार है। इसमें जीवन से मैं और मैंने शब्द का भी लोप हो जाता है, मैं अहम ये सब खत्म हो जाता है मानवता में, और सहजता सरलता विनयता विनयशीलता ये उसमें पैदा हो जाती है। वह भ्रम होता है, मूर्छा होती है, एक समय के लिए मैं का मेरेपन का प्रमाद नहीं रह जाता है मानव धर्म। मानव जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है, सर्वोत्तम विज्ञान है, प्रतिक्रिया से बचने का उपाय है। यह मात्र आदर्श नहीं, ये बाह्याचार भी नहीं है, मानवता सरलता है, और ये हमारा आत्मा का धर्म है। मार्दव मन की चिकित्सा है, अंतश्चेतना का रूपांतरण है, चारित्र है वो मार्दवता है। इसमें आदि व्याधि उपाधि सब समाप्त हो जाती है, जिसमें मार्दव धर्म है, मार्दवता का जिसमें अंश है वो उसमें आदि व्याधि ये सब उसकी खत्म हो जाती है। उसको कोई अहम नहीं रहता, जिसमें मार्दवता है उसका अहम खत्म हो जाता। नवजात सी कमनीयता सरलता पवित्रता इतनी व्यापक हो जाती है कि मैं ही से अहम से ओम हो जाता है मादकता। इसमें सृष्टि के साथ संबंधों में प्रेम पुत्र मैत्री आत्मिक हो जाती है। इसमें स्वाश्रयी होकर यथार्थ ज्ञान के लिए होना ही अहम का विसर्जन होता है, विनय ही आत्मभाव है। निज का निज में विस्तार ही मैं की संपूर्णता है, मार्दव है। मार्दव धर्म में हृदय खुल जाता है और जागरण हो जाता है, चेतना के स्तर पर शिशु की तरह निश्चल व सहज भावी हो जाते हैं शिशुवत। अहम नहीं होता, समूची सृष्टि उसके लिए हुई रहती है। माँ भी समर्पित भाव से पोषण करती है, वह उसकी सेवा में होकर भी नियंता व निर्धारक नहीं होती। शिशु से बालक और युवा होते होते तेरा मेरा होने लगता है, अहम का विस्तार सहज भावता को निकल जाता है। अहम जब हो जाता है तो वो सहजता को निकल जाता है। उत्तम मार्दव भाव में धर्म में अहम अर्हम अहम से मुक्ति मिलती है। मार्दव धर्म की सिद्धि के लिए जाति कुल आदि का मध्य त्याग करना आवश्यक है। अगर आपने जाति का कुल का रूप का अगर इनका गर्व किंचित भी है तो आप मार्दव धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। अहम का आपको किसी भी तरह का अगर अहम रहा, चाहे जाति का रहो कुल का रहो रिद्धि का हो सिद्धि का हो रूप का हो रंग का हो ज्ञान का हो, ये किसी भी प्रकार का आपको थोड़ा सा भी अगर मत है तो आप आत्मता में मृदुता नहीं पा सकते, मार्दव धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते। रत्न कर्ण श्रावकाचार्य ने इस आठ मत बताया जिनके कारण से आपको मत आता है। वो आठों में ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि तप और शरीर, इनसे आपको अहम आता है। अगर किसी में तप की शक्ति है, किसी ने रिद्धि प्राप्त कर रखी है, कोई उच्च जाति से है उच्च कुल से है, पूजा को ज्ञाता है, उस पूजा से भी उसको अहम आता है। इन आठ वस्तुओं के अभिमान न करना मार्दव है। मार्दव क्या है? ये आठ प्रकार के ये जो तत्व हैं जो मैंने बताए, इनके माध्यम से जो अहम आता है और वो इनका अहम न करके मान न करके अगर कोई व्यक्ति होता तो मार्दव धर्म को प्राप्त करता है, ये उत्तम मार्दव। मार्दव आत्मा का गुण है, मोक्ष सुख का कारण है, कर्म निद्रा के कारण भूत तप का कारण है, क्योंकि विनय नाम का तप मार्दव से ही उत्पन्न होता है। अगर मार्दव ताप में है तो निश्चित रूप से आप में तप का तप ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि मार्दव धर्म अहंकार का नाशक है, मार्दव धर्म अहंकार का नाशक है, व्यवहार में से नम्रता का नाम मार्दव है। ये व्यवहार में अगर नम्रता का अगर नम्रता है आपने
तो ये निश्चित रूप से मानव धर्म का व्यवहार। तथापि निश्चय ऐसे अपनी आत्मा में रमण करना, बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार का त्याग करना ही मानव है। अगर आप में मान का किंचित भी, अब ये कब होगा, जब आपको निश्चय ज्ञान से ये हो जाएगा कि आत्मा पर है और ये पर है, आत्मा स्व है और पर है, इसका जब ज्ञान हो जाता तो आपको लगेगा कि ये जो जितना भी जो हमारा अहम है उसका किसी, ये अहम तो पर है, पर के साथ हो सकता है अहम आत्म, जब ये बात होता है तो कि ये मेरा है ही नहीं। आप जो रूप है वो किंचित कुछ समय के लिए होता है, रंग है, कुल है, जाती है, ये किंचित समय के लिए आती है। जब उसको इसका आभान हो जाता है तो निश्चय से उसको ज्ञान हो जाता है, वो निश्चय माधव धर्म को वो पालन करेगा। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं स्वयं तो क्या है और पर क्या है, जब इसका भेद मालूम पड़ जाता है तो वो कभी भी किसी तरह का अहम भाव उसमें नहीं होता और वो निश्चय से वो उत्तम माधव धर्म को पालन करता है। उत्तम माधव धर्म में किसी तरह का किंचित मात्र भी मान नहीं, उसको भेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भेद ज्ञान से वो इन सब को मानने लगता है कि ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, रूप है, जवानी है, रंग है, कुल है, ये सब हमेशा रहने वाले नहीं है। जब उसको इसका आभान होता है तो उसका मान बिगड़ जाता है। इस मार्दव गुण का घातक मान कषाय है, जिसके कारण ये मानव अहंकारी बनता है, अपने स्वभाव से च्युत होकर के विभाव में परिणति धारण कर अनादिकाल से इस संसार सागर में गोता खा रहा है। मार्दव की नाशक मान कषाय है। मार्दव धर्म का अगर कोई नुकसान करता है तो ये मान कषाय करता है, इसलिए हमको मान कषाय से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैंने एक मार्दव भावनाओं पर एक भावना लिखी है तो उसके माध्यम से भी मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। जिसने आत्मस्वरूप जानकर आत्मदृष्टि को प्राप्त किया, आत्मद्रव्य की महिमा जानी, निज गुण वैभव जान लिया, ये मार्दव भावना की मार्दव भावना है। जिसने सब अज्ञान हटाया पूर्ण जगत को जान लिया, जिसने पूर्ण प्रकट कर निज गुण आत्मस्थित को सुख प्राप्त किया, आत्मजत सुख प्राप्त किया, इंद्रिय विषयों को जीता, उसने इंद्रिय के जो विषय हैं उनको जीता और तन मन वाणी जीत लिया, सत्य अहिंसा में बनकर जग को भी सत्पथ दिखा दिया, जिसने जीवों पर करुणा कर सत्य तत्व का ज्ञान दिया, निज मिथ्यात्व हटाने से सद्ज्ञान प्रकट को बता दिया, उस दिव्य आत्मा को आदिश्वर महावीर कहो जगदीश कहो, गुण उसके में सम्यक जानू, चित्त भक्ति में लीन रहो। वीतराग बन धर्म निभाऊं, वीतराग बन करके और मैं धर्म को निभाऊं, नहीं किसी से द्वेष करूं, ईर्ष्या भाव नहीं हो पर से, घृणा किसी से नहीं करूं, ये मार्दव भावना। सतपथ में जो बाधा आवे, मेरे सतपथ में मैं जो गति करता हूं उसमें अगर कोई बाधा आवे, भय मैं किंचित नहीं करूं, क्योंकि मेरा कोई किसी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो कुछ है मेरे कर्म है। कष्टों से मैं ना घबराऊं, तन की चिंता नहीं करूं, क्षमा धर्म युत रहूं, सदा में पर को दोषी नहीं गिनूं, ज्ञान वृद्धि ऐश्वर्य वृद्धि का अभिमानी में नहीं बने, ज्ञान वृद्धि का और ऐश्वर्य का में कभी भी अभिमानी नहीं बने, उत्तम कुल तन सुंदर पाकर कभी मान के भाव न हो, उत्तम कुल प्राप्त करके और सुंदर तन पाकर के भी मेरे मन में कभी मान का भाव पैदा नहीं हो, मन को मार्दव गुण से भर दूं, सरल भाव ही मेरे हो, मैं मेरे मन को मार्दवता के गुण से भर दूं और मैं सदा सरल भाव से भरा रहूं। भाव लोभ के भी कभी न उपजे, वस्तुति पहचान करूं, सत्य ग्रहण करूं, मन वचन तन से पावन बने में रहा करूं, ये मार्दव भावना है। इच्छाओं को नहीं बढ़ाऊं, परिग्रह संयम में पालूं,
मर्यादाओं को मैं ना तोड़ूं, मेरे मन को मैं समझा लूं। सब जग को अज्ञान हटा, सब जग का अज्ञान हटाने, पुरुषार्थी में रहूं सदा, सत्य तत्व घर 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 पहुंचाऊं, मैं ज्ञानी रहूं सदा। सब जीवों में प्राण इच्छना चाहे वे एकेंद्रीय हो, मेरे भाव में ये हूं कि सब जीवों में जो एकेंद्रीय जीव हों उनमें सब में प्राण है और सब में समान मेरे प्राणों की तरह समान प्राण है। निज हिंसा और पर हिंसा तज अभेदान युत चित्त रहो, सब जीवों में प्राण इच्छना चाहे वे एकेंद्रीय हो। धर्म साधने हित शरीर है, ये जो मेरा शरीर है ये धर्म साधने के लिए है। धर्म साधने हित शरीर है शरीर आहार मई, अतः पात्र को भोजन देकर भाव सदा हो दया मई। रोगोत्पत्ति दुख का कारण है, रोगोत्पत्ति दुख का कारण है। अंगहीनता दुख महा, अतः चिकित्सा के साधन और अंग चिकित्सा दान महा। ये आपकी सहजता और सरलता की बात बताता है कि मार्दव धर्म किस तरीके से आपके मानस में भरा रहेगा। पुरुषार्थ मेरे सब सत्यनिष्ठ हों, मैं जो कुछ भी करूं वो सत्यनिष्ठ होकर करूं, बने दोष युक्त नहीं कभी कभी भी, ये दोष युक्त नहीं हो। न्याय प्रिय ही रहूं सदा, में लक्ष्मी चक्का चौंध में भी, अगर मेरे पास में लक्ष्मी भी खूब हो तो भी मैं न्याय प्रिय रहूं। ये है सरलता सहजता। शासन करता पक्ष रहित हो, धर्म निष्ठ हो प्रजा सभी, ये भाव हो। चोरी मारी और व्याधियां फैले जग में नहीं कभी, इस तरह के भी मैं भावना भाव। वर्षा समय समय पर होवे, अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं। दुखदायी दुर्भिक्ष फैल कर दुख प्रजा को करे नहीं। धरा सदा वृक्षों से युत हो, पृथ्वी पर सदा इस तरीके के मेरे भाव हो। फल फूलों से पूर्ण रहे, खेतों और खलिहानों के सब कृषक वर्ग संतुष्ट रहे। नदियां प्रतिक्षण कल कल ध्वनि से मधुर नाद को किया करे, पक्षु पक्षी भी आह्लादित हो उनका पान पिया करे। सत्य स्वरूप धर्म का पाले, धर्म नाम पर क्लेश न हो, दुख परस्पर के समझे सब सबका जीवन सुखमय हो। इस विधि स्वर्ग धरा पर उतरे, वसुंधरा सत्यार्थ बने, जीवों और जीनों दो, यह मंत्र शांति का सब माने। इस तरीके के मेरे भाव हो, इस तरीके की मेरी मृदुता बने। एकांतवाद को त्यागे, सब ही अनेकांत स्वीकारे, राजनीति और धर्म नीति के सत्य रूप में व्यवहार करे। ये इतनी सरलता सहजता सर्वत्र पवित्र भावना यह प्रेम की, सभी सत्य स्वीकार करें, सत्य साधना ही सुख सरिता, मान समादर सभी करें। इस तरीके की भावनाएं इस आपके इसमें है। तो आज ये मृदु भावना मृदुता की बात है। अब कोई भजन किसी को कुछ कुछ कोई पढ़ना चाहे तो आप करें। नहीं चलिए मैं सुनाता हूँ, नहीं तो कोई नहीं था। निज का निज को ध्यान नहीं है, विडंबना ये कैसी जी। निज का निज को ध्यान नहीं है, मुझको मेरा ही ध्यान नहीं है, ये विडंबना कैसी। निज का निज को ध्यान नहीं है, विडंबना ये कैसी है। पर को पाकर फूल रहा हूँ, विमूढ़ता ये कैसी है। ये कैसी विमूढ़ता है कि मैं पर को पाकर के जो क्षणिक है उसको पाकर के फूल रहा हूँ। अक्षर ज्ञान सूक्ष्म भी हो गए, अगर मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान सूक्ष्म भी होए, मैं स्वयं को समझूं विद्वान, आदम को भी मैं ललकारूं, मंदांधता ये कैसी है, मदांधता ये। उच्च जाति कुल अगर मैं पुजवाने में समझूं शान, घना करूं लघु समझ अन्य को, कुलीनता ये कैसी है, कुलीनता ये कैसी है। कि मैं अगर उच्च जाति प्राप्त कर लेता हूं, उच्च कुल प्राप्त कर लेता हूं
तो मैं अपनी शान पुजवाने में समझता हूँ, और घृणा छोटे व्यक्तियों से या कम स्वरूप वालों से मैं घृणा करूँ, ये कुलीनता कैसी है, ये कुलीनता कैसी। सुंदर रष्ट पुष्ट तन को यदि पाऊं, सुंदर रष्ट पुष्ट तन को यदि पाऊं, मैं मेरे भगवान कर अपमान सताऊं, पर को सुंदरता ये कैसी है, ये सुंदरता मेरे में कैसी है कि मैंने सुंदर हो गया तो मैं जो कम सुंदर है उनका मैं अपमान करूं, ये सुंदरता कैसी है। यदि पदधारी बनूं, ये मानवता की बात बताए, यदि मैं पदधारी बनूं कदाचित लूट लूट घर भर दूं, यदि पदधारी बनूं कदाचित लूट लूट धन घर भर दूं, कर अपमान दीन का फूलूं, पदांधता ये कैसी है, ये कैसी पदांधता है, ये किस तरीके की मेरे को पोस्ट मिली या किस तरीके मैं अपने आप को पदासीन मान करके, और मैं अपने तो जब मेरे को मौका मिलता है मैं लूट लूट के घर भरता हूँ, और जो दीन आदमी है उसका मैं अपमान कर। मोह नशे से अज्ञानी बन, मोह नशे से अज्ञानी बन, इस जग में मैं भटक रहा, वास्तविक तत्व ये है, मोह नशे से अज्ञानी बन इस जग में मैं भटक रहा, मैं स्वयं को ही जानन पाऊं, पराशक्ति ये कैसी है, पराशक्ति ये कैसी है। वर्धमान ज्ञान दीप से निज अनंत गुण प्राप्त किए, प्रभु ने जगा जगा जगत को बोले, चिर निद्रा ये कैसी है, चिर निद्रा ये कैसी है। हाथ जोड़ प्रभु को नमता में, ज्ञानानंदी बन जाऊं मैं, ज्ञानानंद प्राप्त कर देखूं, ज्ञान लहर ये कैसी है, ज्ञान लहर ये कैसी है। ये हमारे को मार्दवता के मार्दव धर्म को और भी स्पष्ट करती है। तो ये हुआ आज का ये मार्दवतम का व्याख्यान, यही समाप्त होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जिनवाणी का पालन करें सबको, वीर तुम्हारी द्वारी पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन विषा पानी को दो नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारी सिखा तुमने भव सिंधु से पा।
अध्यात्म नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा परमहंस वेकु भानु बखानी है छऊ द्रव्य जान वेकु बंद बुद्धिमान वेकु स्व पर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताव वेकु जीव के जताव वेकु काहे न सताव वेकु भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार बेकू पार के उतार बेकू सुख के विस्तार बेकू यही दिन वाणी है यौ दिन जय लोकालोक सोहानी मस्तकी सदा दीति लोक अगर किसी को कोई शंका हो तो कोई बात करनी Thank you.